अभी आपने बाबा जी के प्रवचन सुने, पिछले दो दिन से आप भी इन्हीं शिक्षाओं का जिक्र कर रहे थे। बाबा जी ने ज्ञान देके हमें समझाया कि नंकार ही वो सत्ता है जो कण कण में मौजूद है, हर जगह है, और नंकार को पहल देके अगर हम कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ना ही हम किसी का बुरा करेंगे। बाबा जी का मकसद था इंसान को इंसान के साथ जोड़ना, आपस में प्यार बढ़ाना। एक बार बाबा जी ने फरमाया, स्प्रेड द मैसेज ऑफ द गॉस्पल, यूज़ वर्ड्स इफ़ नेसेसरी। बाबा जी ऐसा जीवन हमसे चाहते थे कि हमारा जीवन ही एक प्रचार हो। एक बार संगत में एक उदाहरण सुना था, एक एडवर्टाइजमेंट का, साबुन की एडवर्टाइजमेंट का, कि दो औरतें सफ़ेद साड़ी पहन के जा रही होती हैं तो एकदम एक की नज़र पड़ती है और वो अपने मन में ही सोचती है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों, एंड दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ऐसा ही हमारा जीवन भी एक क्वेश्चन मार्क हो, हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये निरंकारी है, इसका जीवन हमारे से इतना अलग क्यों है, इसके पास क्या चीज़ है जो इसको ये अलग बना रही है। हमारे रोज का व्यवहार कई अनेकों इंसानों पे उसका सही या गलत इफ़ेक्ट होता है, सो मेक श्योर द रिपल इफ़ेक्ट इज़ अ गुड वन। साथ संगत जी, बाबा जी ने सोसाइटी अपलिफ्टमेंट्स के लिए भी अनेकों कार्य किए, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, क्लिनिनेस ड्राइव्स, रन फॉर वननेस, नेचुरल क्लैमिटीज़ में भी हमारा मिशन हमेशा आगे रहा, और दुनिया भर में, देश में मिशन को इन चीज़ों के लिए सराहा गया और कई अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी मिशन को मिले। आज भी आपने देखा कैरोप्रैक्टर्स भी, आपने कल भी उनको सुना, आज भी उनको सुना, मिशन की टीचिंग से प्रभावित होके कितने बरसों से वो लगातार बॉम्बे समागम, दिल्ली समागम पे पहुंच रहे हैं। साथ संगत जी, हमारा मिशन आध्यात्मिकता का मिशन है, ब्रह्म ज्ञान का मिशन है, और हमने इन्हीं बातों को पहल दे के मिशन को आगे बढ़ाना है, मिशन की टीचिंग्स को आगे बढ़ाना है। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।